स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बस कुछ ही देर, जी हां बस थोड़ी देर का इंतजार और न्यूज 18 का थीम सॉन्ग लॉन्च होने जा रहा है। राम मंदिर से जुड़ा ये थीम सॉन्ग लॉन्च होने वाला है और बस इसको लेकर चंद लम्हे बाकी हैं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न्यूज 18 का ये थीम सॉन्ग जो है ये लॉन्च होने वाला है। कुछ ही देर बाकी है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ये पर्व है, अद्भुत क्षण है। लंबा इंतजार किया लेकिन उस इंतजार के समाप्ति का ये पर्व है और इस पर्व पर न्यूज 18 एक थीम सॉन्ग लॉन्च करने वाला है। कुछ ही देर में राम मंदिर से जुड़ा ये थीम सॉन्ग लॉन्च होने वाला है। राम मंदिर से जुड़ा हुआ ये थीम सॉन्ग तैयार हो चुका है और इसकी लॉन्चिंग होने वाली है, तो आप कहीं मत जाइए, टिके रहिए न्यूज 18 पर। कुछ ही देर में न्यूज 18 पर थीम सॉन्ग राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, जो एक भव्य दिव्य समय आ चुका है और इस भव्य दिव्य समय के साक्षी हम सब बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप साक्षी बनिए प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न्यूज 18 का जो थीम सॉन्ग लॉन्च होने जा रहा है उसके भी बस कुछ ही देर बाकी है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और राम मंदिर से जुड़ा हुआ थीम सॉन्ग कुछ ही देर में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि हम सभी को बेसब्री से इंतजार था 22 जनवरी का कि 22 जनवरी की वो तारीख है जब श्री राम लला एक लंबे इंतजार के बाद, लंबी लड़ाई के बाद वापस अपने स्थान पर विराजमान होने वाले हैं। एक लंबा इतिहास इस लड़ाई का रहा लेकिन अब जब वो घड़ी आ चुकी है, वो क्षण आ चुका है, तो फिर न्यूज 18 एक थीम सॉन्ग लॉन्च करने जा रहा है 22 जनवरी को। दरअसल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है। काशी से ही कहा जाता है, शाकिब भाई मेरा मन गदगद है अभिनंदन, इसलिए नहीं क्योंकि ये वाक्य सुने, इसलिए क्योंकि आपने कहा कि जो हमारा देश का जो गंगा जमुनी संस्कृति है वो दिखेगी, आगे बढ़ेगी। मैं जरूर आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे ले जाऊंगा जी। 59 हो गया मेरे पास, आवाज आई 59 हो गया। वकील साहब तो कल भी हुआ था 59, लेकिन आज क्या खास है, महत्व है आज आपकी उपस्थिति और ये जो आपने रिदम बनाया है वो उल्टी गिनती का हम लोग इंतजार कर। तो आज देखता हूं कि काशी उल्टी गिनती कैसे गिनती है और मैं भी इंतजार में हूं जी। तो 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 तो क्या खास है, मैं चलता हूं घड़ी की सुई 6 और ये देखिए खास। बोलो सियावर रामचंद्र की, प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम।
के हाथ में है। जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में कर जाएगी नाम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में वाराणसी में वाराणसी में लॉन्च होते ही न्यूज 18 नेटवर्क का ये सॉन्ग आपकी जुबान पे चढ़ गया। क्या है सॉन्ग जरा बताइए। ना 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 अभी मजा नहीं आया भाई। एक बार जरा लय में बताइए क्या है गाना। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। अप्पा जी मुझे मालूम है आज आप इंतजार कर रहे होंगे भैया जी मैं आज ये क्या हुआ। आज ये होना ही था, जब अयोध्या से पहले मैं काशी में पहुंचा हूं तो कुछ तो नया होना ही था। लेकिन उधर अयोध्या में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊंगा फिर वापस यहीं लौटूंगा, फिर आपसे बात का एक सिलसिला जोड़ूंगा जो रोज शाम को मैं जोड़ता हूं। मुझे मालूम है थोड़ी देर आपको पोस्टर अपना लपेटना पड़ेगा, मैं बाकी बाद में आपके सारे पोस्टर देखूंगा, लेकिन सबसे पहले सीधे पंकज के पास चलूंगा जो सरयू के तीरे अयोध्या में मौजूद है, तो यहाँ के आराध्य से वहाँ के आराध्य तक। जी पंकज। प्रतीक कमाल कर दिया आपने। देखिए आप भगवान राम के आराध्य भगवान शिव की नगरी काशी में है तो मैं रामलला की नगरी अयोध्या में हूँ और इतना सुंदर उपहार आपने अभी दिया है न्यूज 18 इंडिया का, ये रामलला का गीत जो एक्सक्लूसिव गीत जो आपने अभी सुनवाया है उससे यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अयोध्या में वो जय श्री राम की गूंज अब आपको सुनाई देगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, हे राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया सिया राम राम, सिया राम जय राम जय सिया राम। और हमारे साथ अयोध्या वासी हैं राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार जरा अयोध्या भी दिखा दे, भगवान राम की नगरी दिखा दे कि किस तरह का ये गाना, आप एक बार जरा अगर जोर से बोलें। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम,
राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया। मजा नहीं आ रहा, जरा डांस भी हो जाए थोड़ा सा अगर आप बाहर निकल कर आए तो। राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। तो आप देख सकते हैं प्रतीक, राम सिया राम की गूंज यहाँ अयोध्या में, भगवान राम लला की नगरी में, जैसा कि काशी में आपने दिखाया वैसा ही। तो राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम प्रणाम सिया राम सिया राम सिया राम। तो आप देख रहे हैं प्रतीक की किस तरह से ये जो नया गीत न्यूज 18 इंडिया पर राम लला के लिए तैयार हुआ उसको लेकर अयोध्या वासियों में कितना जबरदस्त उत्साह है। जैसा उत्साह काशी में है वैसा ही राम लला की नगरी अयोध्या में भी है प्रतीक। आपसे मुलाकात वहीं सरयू के तट पर होगी और मैं आज यहां गंगा के तट पर मौजूद हूं और गंगा जल लेके अभिषेक के लिए वहां पे निश्चित तौर से और निश्चित समय पर मैं कल वहां पर पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शब्द और उस शब्द से जुड़े हजारों लोग, वो लोग जो अयोध्या मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, वो हैं कार सेवक जिन्होंने मंदिर निर्माण में योगदान दिया, आंदोलन किए। लेकिन क्या आपको पता है कि कार सेवक होते क्या हैं, इसका अर्थ क्या है और वो कैसे उनका योगदान देते नजर आए? 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था, हम एक एक पहलू पर आज बात करेंगे और बताएंगे जबलपुर के एक कार सेवक की डायरी से 1992 की वो कहानी। कार सेवक का मतलब क्या? डायरी बताती है 1992 की कहानी। अयोध्या में मंदिर निर्माण, कार सेवकों ने दिया था बलिदान। साल 1992, तारीख 6 दिसंबर, कार सेवकों का एक आंदोलन और अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा। ये वो तारीख है जो हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज है, जब देश के हजारों सनातनी राम भक्त अयोध्या पहुंचे और उस दिन एक अलग ही इतिहास बना। विवादित ढांचा गिराने के लिए देश भर के हजारों राम भक्त वहां पहुंचे थे, जिन्हें कार सेवक का नाम दिया गया। उनमें से एक कार सेवक उपेंद्र शर्मा, जो जबलपुर के त्रिमूर्ति नगर में रहते हैं और उन हजारों लोगों में से एक है जो बाबरी मस्जिद ढाने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या में विवादित ढांचे को न केवल गिरते देखा बल्कि खुद भी ढांचे को गिराने में जुटे हुए थे। उन्होंने उस दौरान की एक एक यादों को अपने डायरी में लिखा।
कि 4 तारीख को चित्रकूट एक्सप्रेस से हमको सबको रवाना होना है। 4 तारीख को हम इस एक्सप्रेस से रवाना हुए और 5 तारीख को सुबह 8-9 बजे हम लखनऊ पहुँचे। वहाँ से स्वयंसेवकों द्वारा हमको बताया गया कि आपकी ट्रेन खड़ी हुई है अयोध्या जाने के लिए। हम दूसरे प्लेटफॉर्म से अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में भारी भीड़ थी, देश के कोने कोने से कार सेवक पहुँचे थे। उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी, भारी पुलिस बलों की तैनाती थी, अनाउंसमेंट चल रहा था कार्रवाई की। उस दिन अयोध्या में साध्वी लाल कृष्ण आडवाणी कार सेवक को संबोधित कर रहे थे। करीब 12 से 1 बजे दोपहर का वक्त था। कार सेवक सभा को सुनते सुनते विवादित ढांचे की तरफ बढ़े। करीब 3 बजे का समय था जब विवादित ढांचे का पहला गुंबद गिरा दिया गया। पुलिस कार सेवकों को रोक रही थी, लाठी बरसाई जा रही थी। कई कार सेवकों के खून से पूरा इलाका लहूलिहान हो रहा था, लेकिन कार सेवक फिर भी नहीं रुके और शाम होते होते मंजर बदल गया। पूरा का पूरा विवादित ढांचा टीले में तब्दील हो गया। सिंधिया जी, ये तमाम लोग जो है वहाँ पे व्याख्यान वगैरह अपना दे रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे सभा सुनते सुनते ही वो ढांचे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जो पहले चढ़ चुके थे उनके गिरने से वो तारों के ऊपर जब गिर रहे थे, मोटे मोटे तार थे, लगातार उनके शरीरों से खून बह रहा था। और 3:30 बजे के करीब पहली गुंबद गिरी, उसके बाद में अस्ताचल जब हो रहा था तो फिर वहाँ पे अगली गुंबद गिरी और शाम होते होते वहाँ का पूरा मंजर वो सामने जो था केवल टीले में तब्दील हो गया। करीब 32 साल बाद कार सेवकों का सपना पूरा हुआ, जिसने प्रभु श्री राम की भक्ति में घर बार छोड़ जान जोखिम में डाल दी थी। और उसी का परिणाम है कि अयोध्या में फिर से प्रभु राम का महल बन रहा है। अब कौन है ये कार सेवक, क्या है अर्थ, इसको भी जानिए। कार सेवक की भूमिका। कार सेवक का संस्कृति शब्द, कार का मतलब यानी हाथ, सेवक का अर्थ सेवा करने वाला। कार सेवकों ने आंदोलन को अंजाम दिया। ये वही कार सेवक हैं जिन्होंने प्रभु राम के मंदिर के लिए लड़े, निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाया, जिन्हें कार सेवक कहा गया। कार सेवक उपेंद्र शर्मा अपनी डायरी में उस दिन की एक एक घटनाक्रम को लिखा है जो इतिहास में दर्ज है। पवन पटेल, News 18, जबलपुर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाखों लोगों को निमंत्रण भेजा गया, जिसके बाद लोग प्राण प्रतिष्ठा में जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रभु राम के लिए उपहार तैयार किए जा रहे हैं। उज्जैन से बाबा महाकाल का दाहिना शंख भस्म जाएगा तो कोई पुष्पक विमान भेज रहा है। आपको शादी, बर्थडे और गेट टुगेदर पार्टी के निमंत्रण जब मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं। शादी में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, हिंदू धर्म के एक संस्कार को होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे, है ना खुशी की बात। लेकिन सोचिए कि अगर आपको निमंत्रण मिले भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का तो खुशी कितनी ज्यादा होगी, वो भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का। 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए तैयारियां चल रही हैं, निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। और जब निमंत्रण, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे, वो भी तब जब निमंत्रण प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का हो। जिस निमंत्रण का इंतजार ना जाने कितनों को है, जिसे मिला वो खुश नसीब है, जिन्हें पत्र नहीं मिला उनके लिए तो प्रभु का दरबार खुला है। खैर, बताते हैं कि उनको जो निमंत्रण पाकर धन्य हो गए हैं और तैयारियों में जुट गए हैं। महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूजन के लिए आमंत्रण मिला है। अब वो प्रभु राम की नगरी जाने की तैयारियां कर रहे हैं। वे प्रभु राम के लिए महाकाल के दरबार से दाहिना शंख भस्म और महाकाल का प्रसाद लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। वे बताते हैं कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा देखना उनकी जिंदगी का एक ऐसा पल है जिसे देखने के लिए सालों से इंतजार कर रहे थे वो। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए जिन्हें निमंत्रण आया है वहीं उपहार लेकर नहीं जा रहे, वो भी उपहार भेज रहे हैं जिन्हें सालों से इस दिन का इंतजार था। ऐसा ही एक उपहार बैतूल के बांस कला शिल्पकार ललित सोनी ने तैयार किया, जिसे जल्द ही अयोध्या में भेजा जाएगा।
दरअसल शिल्पकार ललित ने बांस से पुष्पक विमान की कलाकृति बनाई है जिसमें धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये कलाकृति पूरी तरह से बांस से बनाई गई है। पुष्पक विमान में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रखी गई हैं। पुष्पक विमान कलाकृति को द्रविड़ शैली के आधार पर बनाया गया है। पूरे भारत भर में अलग अलग तरीके की चीजें बनाकर हर क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें अयोध्या जा रही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे बैतूल जिले से भी कोई कलाकृति वहाँ तक पहुँचे। और बैतूल जिले में बैम्बू आर्ट का काफ़ी रोल है, बैम्बू आर्ट से काफ़ी कलाकृतियाँ बनकर बाहर बाहर जा रही है। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो दिखने में काफ़ी सुंदर हो और आकर्षक हो। तो सर हमने उसको सोच करके पुष्पक विमान बनाया जिसके माध्यम से 14 वर्ष के वनवास के बाद राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और सभी लोगों को लेकर वो अयोध्या इस पुष्पक विमान के माध्यम से लौटे थे। तो इसलिए सर हमने एक कलाकृति का निर्माण किया है पुष्पक विमान, जो पूर्ण रूप से द्रविड़ शैली में निर्मित है। सर इसको बनाने के लिए हमने पूर्ण रूप से बांस का प्रयोग किया है और जहां पर आप इसमें पर्दे देख रहे हैं वहां पर कपड़े का प्रयोग किया है, लेकिन ज्यादातर हमने इसमें बांस का ही उपयोग किया हुआ है सर। उधर खंडवा में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह है। 22 जनवरी को दिवाली मनाने की तैयारी है और ये पहल महापौर अमृता यादव ने की। उन्होंने 40,000 दीप के साथ तेल, बाती और मिठाई के पैकेट तैयार किए जो आयोजन के माध्यम से महिलाओं को बांटे गए। लोगों से अपील की है कि इस मौके पर अपने घर आंगन सजाएं, रंगोली बनाएं, दीप जलाएं और मिठाइयां बांटें। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2024 को राम वर्ष के रूप में मनाने के लिए राम जी की तस्वीर लगे 1,000 कैलेंडर भी लोगों के बीच बांटे हैं। इसके बाद 22 जनवरी का एक भव्य दिन हमारे जीवन में आने वाला है, तो हमने हल्दी कुंकू के साथ सभी बहनों को इसमें कुछ दिए और तेल, बत्तियां और राम जी का कैलेंडर दिया है। छोटा सा एक प्रयास है, लेकिन इसको एक भव्यता रूप देने के लिए आज सभी बहनों को यह मैसेज दिया गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश प्रदेश राममय हो गया है। लोगों को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जिसे जो उपहार हो रहा है वे प्रभु श्री राम के लिए ले जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जय श्री राम, जय श्री राम।